अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऔदु बिललाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लहु व मन युदलिलहु फला हादियला ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे और दे के एहसास तेरा लहू गरमा दे फकर किसान चढ़ा के तुझे तलवार करे फितना मिल्लत पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे और ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई तो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। मौजूद सामीन मोहतरम अहलिया ने फतेह जंग और तमाम हुजूर के गुलाम हम इस वक्त पूरे आलम में कुफर की आंखों में आंखें डालकर एक बात ये कह रहे हैं कि भाई कायनात में हर चीज पर बात हो सकती है मोहम्मद अरबी की जात पर बात नहीं हो सकती। और लोग पूछते हैं जी कि आपने इलेक्शन लड़ने का इंतखाब जिला अटक से ही क्यों किया है, पूरा पाकिस्तान है, बाकी हल्कों में भी आपने यहां से इंतखाब क्यों किया है? तो मैं उनको जवाब सिर्फ इतना देता हूं कि टकराव जब इन मिल्लत के झूठे खुदाओं से हुआ था, टकराव जब इस मिल्लत के झूठे खुदाओं से हुआ था, आगाज बगावत मेरे गांव से हुआ था। बस मैं उन्हें इतना बताता हूं कि शायद दुनिया वालों को यह नहीं पता कि यह मट्टी जो है इस मट्टी ने पूरी दुनिया को अमीरुल मुजाहिदीन दिया है और अमीरुल मुजाहिदीन की जात को दिया है। और ये तो हम चले जाएंगे सदियों बाद भी तहकीक होगी कि वो शख्स कौन था जिसने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पूरी यूरोप और कुफर और अमेरिका की इन्वेस्टमेंट को एक नारे से लिटार कर रख दिया था, क्यों खबरदार कोई मेरे आका मौला के बारे में बात करे और कोई बात करे नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, मैं जब तक कट मरू मैं ख्वाजा पता की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। और पूरी दुनिया में
जब सब सर झुकाकर नीचे बैठ गए और बड़ी बड़ी शख्सियत जब इस्लाम का नाम लेना छोड़ दिया और सारे ऊपर से नीचे लेकर ये कहने लगे कि नहीं, इस्लाम अब अमन का दर्श देता है, इस्लाम अब अमन का दर्श देता है, तो सब कहने लगे इस्लाम अमन का दर्श देता है। लेकिन एक बंदा एक मर्द मुजाहिद की शेर पे आ गया और उसने कहा पोस्टलो हुजूर की जनाब सीरत की नफी करते हो, इस्लाम अमन का दर्श भी देता है। उस वक्त जब बिलाल काबे की छत पर हो, इस्लाम जहाद का हुक्म देता है। उस वक्त जब बिलाल को काबे की गलियों में मारा जा रहा हो, और लोगों ने कहा जी अब जहाद का कौन सा दौर है, जहाद कैसे होगा और कौन आएगा, कौन बातिल को ललकारेगा। अब तो हर तरफ उनके गुमाश्ते, हर तरफ उनके जनाब पिट्ठू और हर तरफ उनके गुलाम हर तरफ छा चुके हैं, हर तरफ पूरा जनाब जबर और इस्तेदाद का पंजा गढ़ चुका है। अब इनके मुकाबले में बात करने वाला कौन आएगा? तो फिर आया एक शख्स और उसने आकर बताया दुनिया को कि तेरे लहजे ने बताया हक़े मुस्तफा क्या है, तेरे लहजे ने बताया हक़े मुस्तफा क्या है, वफाओं का सिला क्या है, तकाजा है वफा क्या है। और आज लोग कहते हैं कि किस नजरिए पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने कहा है, फिर शोर सलासिल में सुरूर अजली है, फिर इस मिट्टी का तकाजा है कि इस पर कोई हाथ बात करने वाला है और अपनी जान को अपनी तली के ऊपर रखकर बात करने के लिए आए। यहाँ लोग कहते हैं कि आपका मुकाबला किन से है? मैंने कहा है दोस्त, हमारा मुकाबला अंग्रेजों के गुलामों से है, हमारा मुकाबला घोड़ी पाल मुरब्बे वालों से है, हमारा मुकाबला उन जागीरदारों से है जिनको मलका ताजे बरतानिया और मलका बरतानिया ने उनको मुरब्बे जमीनों के दिए और वो हम पर हाकिम बन गए। उन्हें कहा आप कौन है? मैंने कहा हम मुजद्दद अल-फिसानी की औलाद है, हम दाता अली अजमेरी के वारिस हैं, हम अल-ख्वाजा अजमेरी के वारिस हैं, हम अजनाब पीर मेरली शाह साहब के वारिस हैं, हम आला हजरत बरेलवी के वारिस हैं, हम इल्मुद्दीन के वारिस हैं, हम मुमताज कादरी के मानने वाले। फिर शोर सलासिल में, फिर शोर सलासिल में सुरूर अजली है, फिर पेश नजर सुन्नत सज्जाद वली है और हम अरब दश्ते बला रोजे अजल से काफिला सालार हुसैन इब्न अली है। बस और फिर शोर सलासिल में सुरूर अजली है, फिर पेश नजर सुन्नत सज्जाद वली है और हम अरब दश्ते बला रोजे अजल से काफिला सालार हुसैन इब्न अली है। और उठो दो हक को सदाकत की गवाही सरे मक्तल, उठो दो हक को सदाकत की गवाही सरे मक्तल। कब कोई तो जनाब बला, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। दुआओं से नहीं टलना इन बलाओं ने, कौम को निकल कर बाहर ये फैसला करना होगा कि हम इन अंग्रेज के गुमाश्तों के साथ हैं या मोहम्मद अरबी के गुलामों के साथ हैं। और लोग समझते हैं कि ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है भाई, ये हक और बातिल की जंग है। मुझे ये बताएं कि जनाब किसका बाप काले पानी में गया, ये अंग्रेजों के घोड़े साहब उनके नाल लगाते रहे, उनसे जागीरें लेते रहे। उस वक्त हमारे बड़े, उस वक्त जिनके वारिस हम हैं, वो अंग्रेज की काला पानी तक जेल काट के कहते रहे कि ओए तुम क्या समझते हो हम दब जाएंगे, नहीं है मश्क सुखनकारी और चक्की की मशक्कत भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुद खेलो पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। और कहते हैं कि हम सरदार हैं, हम बड़े हैं, हम मलक हैं, हम खान हैं, हम। मैंने कहा यूं तो सैयद भी हो,
मिर्जा भी हो अफगान भी हो, मुझे बताओ क्या तुम मुसलमान भी हो? क्या बात। और हमें आंखें दिखाते हो, हमें कहते हो कि जनाब ये पाक गोश्त के लिए आ गए हैं, और खोटा पूरा हराम होता है, पाक की तो बात ही नहीं है। वो गदा काबुल का हो या वो गदा कमड़ियाल का हो, वो गदा हराम ही रहता है। मैं बड़ा लिहाज कर गया कि घर तुम्हारा था, मुझे शर्म आ गई कि जिनके अपने घर की यह हालत है मैं उन बेचारों को क्या कहूँ। मैंने इसलिए वहां बात नहीं की, वरना यह ना समझना कि हमें बात नहीं आती। हम जो तलवार के कब्जे में कलाई देंगे, तेरे अजदाद भी कब्रों से दुहाई देंगे। हम सारा दिन बातें करते हैं, और सिर्फ बातें नहीं करते, काम भी करते हैं। पूरी काम को बेवकूफ बनाया हुआ है जी। क्या हम काम के लिए फला करेंगे, हम लाइटें लगाएंगे, सड़कें देंगे, बिजली देंगे, नाले देंगे, सोलन देंगे, जनाब मीटर देंगे, गैस देंगे। बड़ी मजे की बात है, कहते हैं कि जनाब 300 यूनिट, मैंने तो सुना 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और जनाब हाँ जी, और जनाब गैस देंगे मुफ्त। मैंने कहा मैं समझ गया हूँ, कौन नहीं समझी, मैं उसको समझाता हूँ। ये चाहते हैं बिजली से फ्री पाकिस्तान, ये चाहते हैं कि बिजली से पाकिस्तान फ्री कर दे, और जनाब गैस से पाकिस्तान फ्री कर दे। और भाई तुमसे लोड शेडिंग पूरी हो नहीं रही, 300 यूनिट तुम्हारा बाप देगा? कौन को बेवकूफ बनाते हो, तुमने बिजली फ्री कर देनी है। जब जुलाई और अगस्त और जून के महीने आए, तुमने कौन को बिजली के ऐसे बिल भेजे कि लोग हार्ट अटैक से फोत होने लगे। और जब कहा कि जी हमने कौन को हटा दिया है, रमजान में हमने कौन को हटा दिया है, और कहते जी आप क्या करेंगे। मैंने कहा हमें पता है तुमने कौन को हटा कैसे दिया है। यूटिलिटी स्टोरों के बाहर लाइनें लगवाकर, स्कूलों और कॉलेजों के बाहर लाइनें लगवाकर कौम गर्मी और हवस में मरती रही, और तुम अपने इश्तहार दिखाते रहे कि जी हम कौम को आटा बांट रहे हैं। और आटे की जो जनाब वो जनाब साख थी, और जो उसकी जनाब म्याद था, वो तो खोते भी न खाए, तुमने वो आटा कौम को दिया। और तुम क्या बेवकूफ समझते हो इनको, आगे सुनो। तुम कहते हो कि हम आटा देंगे लाइनों में लगाकर, सवाल कहते हैं आप क्या करेंगे। मैंने कहा हम असेंबली में जाकर एक बिल पास करेंगे कि अगर कौम के दरवाजों पर बिजली का बिल आ सकता है, तो आटे का थैला क्यों नहीं आ सकता। हाँ भाई, तमाशा लाया कौम नाल, और जनाब आगे मौलवी की करण गए। मैं कहा मौलवी तुहाड़ी मंजी पीढ़ी उठे जा ठोकर गए, तो नसरा याद आ गया। कहते हैं जी कि सियासत नहीं आती। मैंने कहा बहुत खूब, जो मुल्क को लूट कर खाए उनको सियासत आती है, जो कौम के जनाब बजट खा जाए उनको सियासत आती है, और कौम का जनाब गरीबों के टैक्स और गरीबों का जनाब माल खा जाए उनको सियासत आती है, और जो आपको हाथ बात करे उनको सियासत नहीं आती। और फिर कहते हैं जी इना कड़ा जितना। मैं कहा तुसा लिखवाया हो, तुसा जित के हर वाली जाना, तुसा को पिछले लिखवा के ले आयो, कोई तुहाड़े जनाब शराती कार्ड ते अपने दी जगह लिखा के हमेशा उम्मीदवार। इंसान बनो, सियासत करो। हाँ आ साडा मुंह बड़ा खुलिया होया, ओए तोसी दा शाही कोई नहीं, तुहाड़े वड्डे जड़े आए सन ना, जिन्हां दी जनाब तुहाड़े वड्डे ने खिदमत गुजारियां कीतियां, असी उन्हां दी खिदमत गुजारियां नहीं कीतियां। असी जनाब उन्हां दे साडे वड्डे ने जनाब काले पानी आबाद करके, और जनाब अहमदुल्लाह शाह मदरासी दा सर चादरी चौक लटकता रहा, और इतने दिन खून पैदा रहा। उन्हें क्या हुआ, क्यों इसका खून ताजा पैदा? उन्हें क्या, जदों इस अंग्रेज ने जनाब सिर कलम किया तो इसके दिल में इसका खौफ मौजूद है। हाँ लिहाजा पाकिस्तान वापस पाकिस्तान के वारसा के हाथ जा रहा। 76 साल हो गए, पौड़ी सदी हो गई, तुसी तमाशा ला के रखा, हुण इह गल नहीं होनी। और फिर बड़े यार मजे वाली बात है, मैं तो कह रहा सके कोई गल नहीं, लेकिन हुण कोई गल नहीं, हुण कोई गल नहीं। और जनाब बाहर आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौन जी? नवाज शरीफ और बिलावल जरदारी। नून लीग और पीपल पार्टी एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं क्या जले हो, तोड़ी तो अजे सियासी तलाक हो ही नहीं, तोड़ी तो तलाक हो ही नहीं, अजे तो पीछे तो तोड़ा निकाह होया पीडीएम में, तोड़ी तो तलाक ही नहीं हुई। जे अंदर खाते हो भी गई तो इधर तो कर लो।
ਗੱਲ ਸੇਮਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਕ ਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੋ ਪੀਡੀਐਮ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਣ ਮੰਗੇਗਾ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੌਣ ਮੰਗੇਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਕੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਹਮ आज कौम को बेवकूफ बनाने के लिए और कौम को इतना सादा समझते हो कौम सादी नहीं है कौम जान चुकी है कि भाई इन लुटेरों और जनाब इन अयाशों और बदमाशों से जान छुड़ानी है और मोहम्मद अरबी का दीन तख्त के ऊपर लेकर आना है। भाई आप मुझे बताएं कि जिनसे लोड शेडिंग पूरी नहीं हो रही जिनसे सर्दियों में गैस पूरी नहीं दी जा रही वो दावे कर रहे हैं कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे कैसे फ्री दोगे भाई तुमसे तो पूरा बजट पास नहीं किया गया तुमने कहा डॉलर आएगा डॉलर नीचे आएगा ना डॉलर नीचे आया ना डॉलर नीचे आया कौन को क्या समझते हो वो कोई और है जिनको तुम भोलू बना लोगे हम वो नहीं है हम तुम्हें ये बताने के लिए आए हैं और कहते हैं हम कौम के मसाइल के लिए आए हैं ये भी मैंने सुनी है बात यदि असीदा जनाब इलाके के मसाइल वास्ते आया मैं कह ना ना सरदार साहब इलाके के मसाइल वास्ते नहीं इलाके के वसाइल वास्ते तुसी इलाके के वसाइल वास्ते आए हो और आज तक आए बड़े पुराने आए हो और तुसा ना मसाइल वास्ते हो ना वसाइल वास्ते हो और तुसा सिर्फ और सिर्फ अपने अपने हुजरे बह के और एक कहन जोगे हो कि जनाब साडी कख खुली नहीं छड़ी लबै खड़िया मैं कह इंशाल्लाह एक गल पक्की है कि जनाब जो मर्जी हो हालात जो जो मर्जी हो मैं पहले भी कह के आया हार जीत मुकद्दरा दी इस पाकिस्तान के अंदर अटक के अंदर जिथे साडा दिल करेगा जिस टाइम साडा दिल करेगा असीं जलसा करांगे तुहाडे प्यो दा पाकिस्तान ने ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਛੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾ ਓਏ ਨਾ ਛੇੜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਓ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਨੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ आओ ना सियासत करो शर्म नहीं आनी किसके वास्ते वोट मंगोगे सरदारी वास्ते और जिसके बारे तैयब उर्दगान जैसा वजीर आजम कहना तुर्की का सदर कहना अगर मेरे पाकिस्तानी रियासत का हयान हो तो मैं दसा इसने मेरी बुढ़ी का जनाब हार भी चोरी करा ले इन्होंने वास्ते वोट मंगोगे नवाज शरीफ वास्ते ओए होए अफसोस वाली बात है भाई जिनकी गद्दारियां कौम और मिल्लत के साथ मैं तो कल की गल कर रहा मैं कहा जितना जोर ब्यूरोक्रेसी और पटवारी जितना जोर नवाज शरीफ वास्ते ला रहे ना ये ना अहल है अगर इसको अद्धा भी मेनू दे देन मैं एनडीए भी हुकूमत बना दे जिंदगी से शेर का एक दिन बेहतर है बंदा इंतखाबी निशान रखना शेर नहीं होता जे इंतखाबी निशान रखना शेर हो जाना तो जनाब उन्होंने जनाब शेर बने होना सी लेकिन जरक दबा पैदा और हुण भी जब जरक दबाई लगती ना बार जलसे में जा सकते ना कौम में जा सकते और कौम कह दें कि हम तरक्की देंगे मैंने कहा आपने क्या तरक्की देनी है आपने अगर तरक्की देनी थी तो अपने इलाज और अपनी तालीम पाकिस्तान के अंदर रखनी थी और जो दो दो दफा वजीर बन चुके हैं 8-8 दफा जनाब मजे ले चुके हैं वजारतों और मुशावतों के वो क्या बताएंगे कि कौम को क्या मसाइल का है कौम अब ये
जान चुकी है कि आप मसाइल का हल नहीं है, आप पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हक हल सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफी कदीम है। दौर करके जा रहा हूँ, गौर से सुन ले, अभी इलेक्शन में दिन है, हो सकता है एक दिन पहले, 78 घंटे पहले, 72 घंटे पहले, 70 घंटे पहले, 60 घंटे पहले एक ऐलान आपको और सुनने को मिल जाए कि पीपल्स पार्टी नून लीग के हक में दस्तबरदार हो गई है या नून पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हुई। ये मैं आपको आज बताकर जा रहा हूं, आपने ये गौर रखना है। जैसी पहले कहने कले कले नहीं, रल के और रल के रल के मोहम्मद अरबी के गुलामा नाल वापिया असी का इलेक्शन निचाए पहली मरतबा ये इलेक्शन सी। ओए होए ये तो साढ़े पुठे हाथी खेड़े, कोई होर बला लै के आओ जी सानू ना आती हो। इंशाला ये तो इलेक्शन नहीं है, रेफरेंडम हो जाएगा। और जनाब रही गल वोटा उत्ते पैरा देने की, तो जनाब वोटा उत्ते पैरा दे के दसांगे कि वोटा उत्ते पैरा किवें देता। खबरदार कोई समझे कि मैं डकैती मार लवांगा, मैं चोरी कर लवांगा, मैं थ्वाइन कर लवांगा, आरटीएस बिठा देंगे या ईयूएस बिठा देंगे। मैं कहा फिर लब्बैक वाले एहो जिहा बिठाणगे दोबारा उठण जोगा नहीं रहेगा। गल सुनो मेरी, ए मैं इस वास्ते गल करके जा रहा कि कईयों के सिर च खनास है कि असा लब्बैक का हक मारना, तो सुनो आडा हक इत्थे रख, आडा हक और जनाब मैं सिर्फ इतनी गल करना चाहना तमाम हल्के की आवाम, तो सब का नहीं तकना ना किसी को डरना, रही बदमाशी ना नहीं तो असा भी हथा जवाना नहीं पाई हुई। सारिया गल जानने जनाब सारा कुछ करने तो तगड़े हो गए इलेक्शन लड़ना। और जनाब नच के वोट पर्ची देनी, पर्ची की हैसियत ही कोई नहीं, असी तो हजूर के नाम से कदम रखी हुई। और मैं तमाम जिला अटक की आवाम आखना कि हम थोड़े को फैसला थोड़े को, इस तो बेहतर मौका कोई नहीं कि जनाब मलिक अमानत रावत साहब थोड़े को, सैयद आदिफ शाह साहब थोड़े को, खान रियाज जनाब रियाज खान महाराणा साहब थोड़े को, इंशाल्लाह फकीर भी इतने ही है, इतने ही है जनाब। और बस इतनी बात है कि जनाब तुसा इन पर्ची चाणी आठ आए दिन कि मोर लानी, किस से मोर लानी।